नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने संसद में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि इस प्लान में बड़ा निवेश किया जा रहा है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत सरकार 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। ये प्लान अर्थव्यवस्था के 7 इंजन को एक साथ आगे बढ़ाएगा। वो 7 इंजन हैं सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल परिवहन, बंदरगाह, जलमार्ग और बुनियादी ढांचा। क्या है पीएम गतिशक्ति प्लान? पीएम गतिशक्ति प्लान योजना, रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालय को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी जानकारी दी थी। निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति प्लान का ऐलान करते हुए कहा है कि ये प्लान देश के समग्र विकास के लिए जरूरी है। सीतारमण ने कहा कि समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम 4 प्राथमिकताएं रखते हैं। पीएम गतिशक्ति, समग्र विकास, उत्पादकता को बढ़ावा और नए अवसर, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव, पर्यावरण पर काम और निवेश पर जोर देना। पीएम गतिशक्ति प्लान के तहत अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके अलावा अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।